देखो जोगिंदर, घर में ऑलरेडी दो थार, दो स्कॉर्पियो, तीन फॉर्च्यूनर और एक डिफेंडर खड़ी हुई है। ये बुलेरो की क्या जरूरत है? पापा, बुलेरो नहीं, जी वैगन। बदमाशी का लेवल बढ़ाना है कि नहीं? ठीक है, जाओ। तुम्हारे नाम जो 700 एकड़ जमीन है, उसमें से 2 एकड़ बेच के ये गाड़ी खरीद लो, जाओ। बस यही सिखाना अपनी बिगड़ी हुई औलाद को, ये नहीं कि 2 एकड़ खुद कमा के खरीदे बस गाड़ी पे गाड़ी। अरे जो हमारा है वही उसका है भाई, किसी और का है क्या? कुछ नहीं है, पढ़ाओ लिखाओ इसको, आईपीएस आईएएस बनाओ, फेल हो रहा है 2 साल से। अरे उसके खानदान में आज तक कोई पहली बार में पास हुआ है क्या जो अब हो जाएगा? अपना खानदान बोलो, मेरे खानदान में तो सब पढ़ने लिखने वाले हैं। तभी मामा का लड़का अपनी फेयरवेल पे मुझसे फॉर्च्यूनर मांगने आया था। चुप हो जा नालायक, इसकी पढ़ाई का कुछ सोचा है आपने? ए, फिकर मत करो, होम ट्यूटर आने वाला है। उसको नहीं, वो मेरे हाथों मर जाएगा, चाय ठंडी करके बार बार गर्म करवाता है मुझसे वो। चुप, इसको कोचिंग नहीं भेजूंगा मैं, वहां पे हवाबाजी करके आ जाता है। सिस्टम होता है पापा, वो सिस्टम। अरे ट्यूटर से ही पढ़ेगा ये। मैंने आज सतीश सर को बहला फुसला के घर बुलाया है, आते ही होंगे। पापा यार ये नहीं होगा, मेरे सारे दोस्त कोचिंग जाते हैं, मैं भी कोचिंग जाऊंगा। अरे तू तो वैसे भी पूरे शहर की कोचिंगों के बाहर से चक्कर काटता रहता है अपने लफड़कर दोस्तों के साथ। एक ही शर्त पे पढ़ूंगा मैं ट्यूटर से। बोलो, हमें सब मंजूर है। कि मेरा दोस्त शमशेर, वो अभी पढ़ेगा अपने ही ट्यूटर से। वो समोसे की शक्ल वाला लड़का? हाँ हाँ, जिसको आप बोलते हैं कि बचपन में पैदा हुआ होगा तो उसके मुंह पे नर्स बैठ गई होगी। अच्छा, कम अकल, तेरी अकल भी खा जाएगा वो। मम्मी और एक बात तो मनवाओ यार, मेरी ऐसे थोड़ी होता है। अरे मान जाइए ना, वो पगला शमशेर क्या ले लेगा आपका आकर। ठीक है, बुला लो उसको। हेलो शमशेर, जल्दी मेरे घर आ जा। अरे मेरे पापा तुझे गोद नहीं ले रहे हैं, मेरा ट्यूटर आ रहा है जिसके बारे में मैंने बताया था ना, हाँ, उससे अपन दोनों साथ में पढ़ेंगे, जल्दी आ जा। लगता है सतीश सर आ गए हैं। जाओ जोगिंदर, स्वागत करो उनका अच्छे से। चलो कामिनी, तुम चाय बनाओ, चलो। हाँ, जा रहा हूँ। बार बार इस मनहूस घर में आना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ये पैसा क्या क्या करवाता है यार। आ गए फिर से मुंह उठा के सर। ये बोले बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे क्रेटा गिफ्ट करी है बेटा, इसलिए माना हूँ। तो फिर अभी एक्टिवा से क्यों आए? गाड़ी से आ रहे थे ना? क्रेटा तो आ गई बेटा, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाने का जो पैसा है ना बेटा, वो तेरे पापा से एडवांस फीस लेके ही आएगा बेटा। मेरा जाहिल अमीर बाप ही मिला लूटने को। अरे यार बेटा, यार वो तो खुद लूटने आ रहे हैं यार, और तू पिटने, तो उनको लूट लूंगा, तुझे पीट दूंगा। ज्यादा कड़वे शब्द नहीं बोलने लगे हो सर आप। बेटा भड़वे स्टूडेंट से बेटा कड़वे शब्द ही बोले जाते हैं बेटा, अब पढ़ाई शुरू करो बेटा। ओए जोगिंदर, तूने नया नौकर रख लिया क्या? ये क्या टॉयलेट साफ करेगा? अपने ट्यूटर सर है ये। जोगिंदर बेटा ये पगला कौन है? ये भी पढ़ेगा अपने साथ, शमशेर माय बेस्ट फ्रेंड। बेटा इसकी फीस की तो बात अपनी हुई नहीं थी बेटा। क्रेटा ठूस के बैठा है, अभी भी फीस चाहिए लालची इंसान। चश्मा बड़ा अच्छा है आपका, 200 रुपए में मुझे बेचोगे? नजर का चश्मा है बेटा। अच्छा ये भी फीचर है इसमें? मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि तुझ पे नजर लग जाती है, तो उसमें भी है काम आ जाएगा। जोगिंदर बेटा एक शानदार सी बात बोलना चाहूंगा बेटा, तुम जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ना बेटा मुझे क्रेटा नहीं लेम्बोर्गिनी उरुस मिलनी चाहिए गिफ्ट में। सतीश सर आपकी चाय। थैंक यू आंटी जी, शक्कर कम रखी है ना? सर आप मीठे हैं तो मुझे लगा मीठी चाय पीते होंगे। क्या मतलब है इस बात का? मीठे बोल बोलने वाले इंसान। ठीक है आंटी जी, थैंक यू। सर आज क्या पढ़ाएंगे? बेटा तुम बताओ बेटा, तुम्हें क्या पढ़ना है बेटा? फिजिकल एजुकेशन सबसे टफ सब्जेक्ट है, वो ही पढ़ते हैं। अरे वाह बेटा, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब टफ नहीं है तुम्हारे लिए? ये वाले सब्जेक्ट तो औकात के बाहर है सर, इसलिए फिजिकल एजुकेशन टफ है। एक मिनट, इधर चाय रखी थी, चाय कहाँ चली गई? आपको पीनी थी क्या? अरे तो बेटा मेरे लिए रखी थी ना डायनासोर। ठंडी हो जाती वो, इसलिए पी ली मैंने। आप ये माय फिटनेस का पीनट बटर खा लो, नया सेवरी पीनट बटर आया है माय फिटनेस का, बारबेक्यू पीनट बटर। इसमें ऐसा क्या खास बात है बेटा? ये माय फिटनेस का बारबेक्यू पीनट बटर 100% प्रीमियम रोस्टेड पीनट्स और स्मोकी बारबेक्यू का अनोखा फ्यूजन है। वाओ बेटा वाओ। और अगर आपको बारबेक्यू का टेस्ट पसंद है तो आई एम श्योर यू विल लव दिस बारबेक्यू पीनट बटर, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे।
क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे। ये है मेरी हेल्थ का टेस्टी बाटलर। ला बेटा खिलाओ जरा। ये तो मेरा है, अपना ऑर्डर कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग भी ऑर्डर करिए, देर किस बात की। करना ही पड़ेगा बेटा ऑर्डर, तुमने तो खिलाया नहीं, मैथ्स में क्या आता है तुझे? एडिक्शन, सब्सक्रिप्शन, डेडिकेशन, मल्टीप्लायर। अबे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। हाँ यही यही यही। अबे कैसे पगला पगला है तू, 12th तक कैसे आ गया तू? 11th में पास होके आ गया 12th में। फिर बेसिक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है तुम्हारे? ओए आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, बेंच प्रेस 120 kg, डेडलिफ्ट 180 kg, स्क्वाट 150 kg, ओवरहेड प्रेस 80 kg। मेरे लाल बेटा रहने दे तू बेटा, जोगिंदर तुम ही बता दो बेटा कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ से हमारा छूटा था सर, वहाँ से। कहाँ से छूटा था बेटा? वो तो आप जानो। अरे गेबले बेटा, मैं बतेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मुझे याद थोड़ी रहेगा बेटा कहाँ से किसका छूटा है। मैं भी अपने स्कूल में 10 टीचरों से पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ी याद रहेगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाया था। हमारे तो 6 सब्जेक्ट है लेकिन जोगिंदर। अरे शमशेर, इट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट? अभी मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट मेरे पापा निकलवाते हैं, उन्होंने मुझे बैंक अकाउंट संभालने को अभी नहीं दिया है। तू यार दिमाग मत लगा है ना। अरे तूने ही तो ट्यूटर से पढ़ने बुलाया है, अब दिमाग नहीं लगाऊंगा तो क्या दिल लगाऊंगा? लॉजिक की बात करी शमशेर बेटा तुमने, तुम में इंप्रूवमेंट आ रहा है, तुम्हें देख के शायद ये जोगिंदर भी सीखेगा। सही है बेटा। है जी? कुछ नहीं मेरे लाल, कुछ नहीं बेटा। हाँ तो आज से अपन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेटा तुम लोगों की फिजिक्स का बेसिक्स कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आज लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ेंगे अपन। ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये एग्जाम में आएगा? बेटा ये तो बहुत बेसिक है, ये नहीं आएगा, इसका एडवांस वर्जन बेटा आएगा। अरे सर यार टाइम वेस्ट मत करो हमारा। अरे कैसा ट्यूटर ढूंढ के लाए जोगिंदर, जो एग्जाम में ही नहीं आना वो पढ़ा रहा है, बताओ जरा। नहीं करेंगे बेटा, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन बता दो मुझे, फिर होता क्या है अगर आपको इतना आता है तो? मोशन मोशन, अरे मुझे याद सर आता है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, थिक मोशन, लिक्विड मोशन, मिक्स्ड मोशन। थिक दस्त जब लगते हैं जब पराठे खाए हो। बेटा वो मोशन नहीं बेटा, जो फिजिक्स वाले मोशन बेटा। जोगिंदर ये दोनों अलग अलग है क्या? अरे सर समझा ही नहीं पा रहे आप। मेरा सर पीट दो कोई आके। क्या कर रहा है बे टाइटैनिक? ले 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 ले, ये भी मेरी गलती है, खुद ही कह रहे हो सर पीटो मेरा आके, मैं पीटूंगा नहीं क्या? अरे बेटा मैं अपने इमोशंस बता रहा हूँ बेटा तुम्हें। सर आपके रंडीरों ने हमें नहीं सुनने, ये अपने इमोशन इमोशन जो है ना रात को अपने तकिए को सुनाना। तकिए को क्यों? अरे अपने सर रंडवे है ना इसलिए तकिए को। अच्छा अच्छा अच्छा, सर इतनी उम्र हो गई आपको शादी कर लेनी चाहिए, मेरी काम वाली दीदी है ना बिजली, वो अपने लिए एक बादल ढूंढ रही है अच्छा सा, बोलो तो आपके लिए बात चलाऊ? तेरे पे बरस जाऊंगा अभी मैं, पढ़ना है कि नहीं तुम दोनों को? देखिए सर बड़ा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, आपको हमारे पढ़ने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपका कर्तव्य है हमको पढ़ाना, अब हमारी मर्जी हम पढ़े कि नहीं पढ़े, क्यों जोगिंदर? So बेटा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल्स। बेटा देखो जैसे मैंने तुम्हारे पिताजी को तमाचा मारा तो वो भी पलट के बेटा मुझे तमाचा मारेंगे, गोली मारेंगे वो तो। अच्छा हाँ ये तो सही बात है, तो दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अगर शमशेर ने बेटा तुमसे चिल्ला के बात करी तो बेटा तुम शांत वे में बात तो नहीं करोगे, तुम भी चिल्ला के बात करोगे बेटा। नहीं मैं तो गाली बकूंगा भर भर के। सर एक एग्जांपल भी नहीं दे पा रहे हैं आप। चलो ठीक है, जैसे शमशेर ने तुम्हारी कार ठोकी तो दोनों कारों पे डेंट पड़ेगा। भैया मेरी तो टाटा की गाड़ी है 5-स्टार रेटिंग वाली, उस पे नहीं पड़ेगा डेंट, और सामने अगर मारुति निकली तो? अरे तुम्हें समझ तो आ गया ना बेटा? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया समझ मुझे। बेटा आप मुझे माफ कर दो, मैं आप दोनों को नहीं पढ़ा सकता बेटा। ठीक है जैसी आपकी मर्जी, और जो बाप से मेरे गाली लिए ना वो वापस कर देना, घर के नीचे जाके खड़ी कर देना। अरे बेटा मैं तो मजाक कर रहा था बेटा, गेमले बेटा मस्ती कर रहा हूँ बेटा तुम्हारे साथ। चलो बेटा मैं ही क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं ही उसका आंसर बताता हूँ, और मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ही समझता हूँ, आप पढ़ाई शुरू करें बेटा। गुड बॉय सतीश सर, गुड बॉय। इसी बात पे सर के लिए चाय मंगवा दे, एक कप और लगा लूंगा मैं।